एक बार क्लासरूम में सभी बच्चे खिलौने से मकान खड़ा कर रहे थे। कुछ बच्चे कर पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। किसी का मकान बना तो किसी का आधे में मकान गिर गया। उन्हीं बच्चों में एक बच्चा था बिंटू। बिंटू बड़ी देर से मकान बनाने की कोशिश कर रहा था। अरे, ये बार बार गिर क्यों रहा है? ये देखो, फिर से गिर गया। अरे यार, फिर गिर गया। बिंटू तंग हो चुका था। अरे यार, मुझे बनाना ही नहीं है, ये बार बार गिर रहा है। उसने गुस्से में खिलौने को इधर उधर फेंका और क्लास के बाहर जाकर खड़ा हो गया। जब उसकी नजर सामने दीवार पर गई, तब उसने देखा कि उस दीवार पर एक मकड़ी ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। वो थोड़ा चढ़ती लेकिन फिर नीचे गिर जाती, फिर कोशिश करती, फिर गिर जाती। बिंटू ये चीज बड़े ध्यान से देख रहा था और उसको मजा भी आ रहा था। दरअसल मकड़ी उस दीवार पर जाल बुनने की कोशिश कर रही थी। वो थोड़ा चढ़ती फिर नीचे गिर जाती, फिर संघर्ष करती और ऊपर चढ़ती। ऐसा थोड़ी देर करने के बाद आखिर में बड़ी कोशिश के बाद मकड़ी ऊपर चढ़ ही गई और अपना जाल बुनना शुरू कर दिया। ये देखकर बिंटू को बहुत प्रेरणा मिल गई। उसने सोचा, जब इतनी छोटी मकड़ी हार नहीं मान सकती तो मैं कैसे हार मान सकता हूँ। जब एक छोटी सी मकड़ी अपना मकान बनाने में हार नहीं मान सकती तो मैं तो फिर भी इंसान हूँ, मैं कैसे हार मान सकता हूँ। अब देखो कैसे मकान नहीं बनता है मेरे से। वो दौड़कर वापस क्लास में गया और अपने गिरे हुए खिलौने को उठाकर फिर से उससे मकान बनाना शुरू किया। थोड़ी देर में उसने अपना खिलौने का मकान पूरा बना लिया। पूरा बनाने के बाद उसको पूरी क्लास में टीचर से शाबाशी मिली। शाबाश बिंटू, बहुत बढ़िया। और सब खड़े होकर ताली बजाने लगे। बहुत जल्दी बनाया इसने। बिंटू बहुत खुश हुआ। जब उसकी नजर खिड़की की तरफ पड़ी तो बाहर वो ही मकड़ी बिंटू को देखकर ताली बजा रही थी। बिंटू ने मकड़ी को देखकर आंख मारी और बदले में मकड़ी ने भी बिंटू को देखकर आंख मारी। हमें कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए।